तो यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आपको पता है आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जिस तरीके से मनरेगा में काम पे काम दिए जा रहे हैं और मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रहा है, उसी तरीके से एक खबर इटावा सिद्धार्थ नगर से निकल के आ रही है, जहां पर 9 जनवरी से ब्लॉकों में तालाबंदी करेंगे प्रधान। दोस्तों, आपको बता दूं कि कड़ाके की ठंड में इटावा ब्लॉक गेट पर चल रहा ग्राम प्रधानों का धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। ग्राम प्रधान संघ मनरेगा योजना से नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम हटाने की जिद पर अड़े हैं। तीसरे दिन प्रधानों ने वीडियो को ज्ञापन सौंप कर नई चेतावनी दी है। प्रधानों ने कहा कि अगर मांगें जल्द नहीं मानी जाएंगी तो 9 जनवरी से ब्लॉक के सभी कार्यालय में तालाबंदी कर धरना को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष पारस यादव और राघवेंद्र सिंह की अगुवाई में धरने पर बैठे प्रधानों ने बताया कि मनरेगा योजना के कार्यों में 1 जनवरी से नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसका ग्राम प्रधान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। यह जिला नेपाल राष्ट्र से सटा हुआ है, इससे यहाँ के कई गाँव में नेटवर्क की भी समस्या है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ चल नहीं पाएगा। दोस्तों, उन्होंने बताया कि गाँव का विकास करने में सरकार अपने तमाम हथगंडों से रोड़ा डाल रही है। MIS साइट को दिनों दिन जटिल बनाया जा रहा है। ग्राम प्रधानों व संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए बिना ही नए सिस्टम को लागू किया जा रहा है, जो ग्राम प्रधान संघ अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है, क्या निगेटिव पॉइंट है। दोस्तों, आने वाले समय में आपको लगता है ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति करके सरकार ग्राम प्रधानों के ऊपर एक मिडिल की कर्मचारी बैठा दिया गया है। इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं ग्राम विकास विभाग को लेकर काफ़ी सजग और अलर्ट है, सचेत है, क्योंकि जो भी पैसे आते हैं ग्राम पंचायत निधि में, उस पैसे को प्रधान और सचिव मिलकर खर्च करते हैं, लेकिन उसका लेखा जोखा लेने के लिए ग्राम पंचायत सहायक को ही बिठाया गया है ग्राम पंचायत सचिवालय में। इस चीज़ को करके सरकार खुद मॉनिटर कर रही है कि क्या ग्राम पंचायत सहायक प्रधान और सचिव और गाँव के सभी लोगों के बीच की जो कड़ी है, उस कड़ी को निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ग्राम प्रधानों के लिए अगर इस तरीके की सूचनाएं आती रहेंगी, ग्राम प्रधान समय समय पर इस तरीके की चीज़ें करते रहेंगे, तो यकीनन मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ आदेश जारी होगा। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ मैंने इस वीडियो में बताया, आपको जो भी सूचना दिया, इस सूचना को आप वेरीफाई कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए और जल्दी से जल्दी इन सभी चीज़ों से आप अलर्ट और सचेत हो जाइए, ताकि आने वाले समय में आपको बिना रुकावट के काम मिले और आपका मानदेय भी मिले। निवेदन करते हैं, अगर जानकारी अच्छी लगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।